अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ गैंगस्टर वेगास। एज यू आई एम ए गेमर, सो लेट्स बिगिन। तो आज हम फिर दोबारा खेलने जा रहे हैं गैंगस्टर वेगास। वही हमारी क्राइम की दुनिया, वही चीज़ें, वही पुरानी चीज़ें। तो आज शुरू करते हैं। आज हो सकता है कैनन कमीशन हम करें। तो फाइनली हमारी गेम लोड हो गई है, लोड हो गई है। पहले कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके ताकि हम लोग इंटर तो हो ना, गेम के अंदर इंटर तो हो, ताकि पीछे चलो हमारे व्हीकल जो है। आज हो सकता है हमें नई गाड़ी मिल जाए, क्योंकि आज हमारा लगातार चौथे पाँचवें दिन है इस गेम के अंदर। तो चौथे पाँचवें दिन पर हमें मिलेगी रिवॉर्ड। क्या कार का रेड कार है, उसे रिवॉर्ड मिलेगा। तो सबसे पहले जाके उसे उस रिवॉर्ड कर लेते, कलेक्ट हो गई। हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, 8000 रुपये मुझे मिले। तो चलो चलते हैं फिर दोबारा। अब पहले साइड जो है साइड पर सिंगल सेट कर लेते हैं। अब ठीक है, तो अब सबसे पहले जाके जो रिवॉर्ड है उसे क्लिक कर लेते हैं। इधर उधर अटैच करके देखते हैं क्या कुछ होता है या नहीं। तो चलिए चलो फिर चलते हैं, सीधे जाके चेक करते हैं। हाँ थोड़ा गला ख़राब है, इस वजह से खड़खड़ के बाद थोड़ी अजीब सी आवाज़ आएगी। तो चलो ये क्या है, ये हमारा शॉप में जाके हम लोगों ने चीज़ करनी है रिवॉर्ड। आज हमें मिल गई W5GSTR Level 1 की कार मिल गई। तो इक्विप कर लेते हैं, फ्री डिलीवर अनइक्विप नहीं करना। तो फ्लीड पहले अपग्रेड कर लेते हैं अगर हो सकता है। तो चलो हमारे पास फिलहाल तो ये 7 हम 12 अभी से चाहिए, तो 10 हो गए और 2 और हम लोगों को चाहिए। स्टिल नॉट इनफ टू रिक्वायर। चलो तो एक और क्रेडिट को ओपन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं होगा। 5 डायमंड तो लग जाएंगे। फिर दोबारा हम लोग इकट्ठे कर लेंगे डायमंड, थोड़ा करना मुश्किल है लेकिन कर लेंगे भाई। रोज तो जो खेलता हूँ गेम वो उसमें करना तो पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं ना। चलो अब नहीं, एक तो 13 कम्प्लीट, 12 कम्प्लीट हो गई हैं। दूसरा हम लोगों को चाहिए, हमारे पास एक पड़ा, 2 और चाहिए। तो कंटिन्यू करते हैं, ऐसे गेम को कंटिन्यू करते हैं और चेक करते हैं अगर को और कुछ हमारे पास है। और कुछ नहीं, गेम को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा अगला मिशन है कैरिन का। तो आज उसके साथ आगे जाकर हम लोगों को बैंक आइस भी करनी पड़ेगी, काफ़ी चीज़ें लूटनी पड़ेंगी। तो शॉप पर जाके, हाँ शॉप पर जाके पहले सबसे पहले वो जो कार को फ्री डिलीवरी पे HP पॉइंट के ऊपर, जो पार्किंग पॉइंट के ऊपर फ्री डिलीवरी ऐसे करना है, तो वो कार लेते हैं डिलीवर। ये यहाँ पर नहीं, नीचे थोड़ा ये रही कार से फ्री ये डिलीवर करना है पार्किंग पी के ऊपर, वहाँ पर जाके कार ले। वो मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। तो सबसे पहले के अंदर जाके बैठते हैं और चलते हैं कैरिन के पास। कैरिन के पास चलते हैं, पहले रेडियो बंद कर देंगे। एक कोई ऐसा स्विच बताओ जिसकी वजह से रेडियो सारे बंद हो जाए। तो चलते हैं, कार का मॉडल बड़ा अच्छा है लेकिन कलर लड़कियों वाले मुझे पसंद नहीं आया। कलर चेंज करेंगे। तो आज हमारा अगला मिशन है कि कैरन के हम लोगों की मदद करनी है, वो भी किसी कसिनो को लूटने में। तो चलो, सो आई हैव बीन जो भी है, गो टू द कैसीनो। कैसीनो जो है यहाँ का सबसे बड़ा कैसीनो है, हम लोगों को लूटना है। आज कैरन की मदद करनी है मैंने। तो चलते हैं कैसीनो के पास, पहुँचते हैं। इतना दूर नहीं, करीब ही कैसीनो। और अगर आपको वीडियो और भी अच्छी रिलेटेड और भी अच्छी वीडियो आज हो तो क्या मेरा और भी अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा, वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आपके कमेंट से मुझे कुछ ना, यानी कि मुझे आपके कमेंट से मुझे पता चलता है मैं कैसी वीडियो बना रहा हूँ और कैसी आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और जो आप बोलेंगे उस वही वीडियो के बारे में वीडियो मैंने किया करते हैं, मैं लग गया जो आप बोलेंगे उसी के बारे में वीडियो लगेगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंशाल्लाह आपकी हर बात पूरी करूँगा। तो बस आप कमेंट करने मुझे बताइएगा। तो अब फाइनली हम इतना दूर नहीं, बस करीब होने वाले। तो ये फाइनली हम करीब ही आ गए, इतना दूर नहीं। थोड़ी बहुत की लैग होती है गेम, पता है वो, लेकिन आपको लैगिंग नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा लैग होगी, कहाँ पर लगी देख गया। लेकिन चलो कोई मसला नहीं, वापस मिल जाएगा। पर वे पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ पर हम लोग जाना है। इतना दूर नहीं, बस ये सामने ही रह गए। ये रहा हमारा कैसीनो, बहुत बड़ा कैसीनो है कैसीनो। इसके हम लोग इसके अंदर हम लोगों ने आज चोरी करनी, लूटना है इसके कैसीनो को। तो देखते हैं कैसे लूट सकते हैं कैसीनो। चलो ठीक है, तो सबसे पहले जो इस कैसीनो को जो मैनेजर है उसे हम लोग को किल करके उससे वॉलेट वार्ड की जो चाबी है वो लेनी है। तो कॉपी जस्ट कप पुटी और हैंड लेन दिए, चलो चलो हम लोग को हाथ ऊपर उठाते हैं, हम लोगों को उठा देते हैं।
सबसे पहले जो जिन्हें भी काफी सबको मारना पड़ेगा पीछे मेरी गोली मार रहा है क्या बारे में कहा पीछे की गोली मारने की फायदे क्या मैं तो जवाब होगी मार ये रहा ना गोली मारेगा अबू को मारेगा तो छोड़ो इस बात को आगे दे वो हम लोग किसी को मैंने दे उसके लाके हम लोग मारने उसको किल करना है फिर उसके बाद अगले में आगे हम लोगों को देखते हैं फिर बताएगी तो ध्यान करेंगे दो यहाँ पर भी खड़े हैं एक तो सेंटर पर खड़ा हुआ इधर खड़ा हुआ ये जो मेरे पास एसम दी ये बड़ी अलग किस्म की गन है गन मुझे मिली है ठीक मारेगा ठीक मारेगा मुझे ठीक क्या मारेगा मैं तो उनका मार भी दिया यार आखिर क्या तो मैंने एक दो पर की रहती है देखो एक दो पर की रहती है उसमें कमी चलो गट की चाबी मुझे हम लोगों को मिल गई चाबी हम लोगों सीधी सीधी तो जानी उधर हम लोगों को जाना है मैंने बिल्ला वाली कैनी को लिखा दी दिया चलो सीधी सीधी पर सबसे पहले हम लोग जाके वॉल्ट के जो दरवाजे उसे खोल लेते हैं पीछे कौन आ रहे हैं मेरे पीछे भी कुछ बंदे आ रहे हैं इनको भी हम लोगों को मारना पड़ेगा वरना भाई हम लोग बाद में मुसीबत बनी के मार लीजिए तो फिर मैं थोड़ी गलत आ गई मैं थोड़ा गलत आ गई मैंने इस तरफ जाना है उस तरफ जाना है भाई कसीनो इसी गेम इसके ऊपर इसी कसीनो में आके हम लोगों ने पोकर खेली थी लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम लोगों के इस कसीनो के बीच में जो यार नहीं आपको रोने की जो है वो उससे वो यहाँ पर वेटर से काम करते थे उसके उससे इस कसीनो के बारे में सब बात करते हैं जहाँ पर कहाँ पर वर्ल्ड है किसकी चाबी होती है कहाँ पर वो होता है किस वक्त वो इधर इसके अंदर अंदर होता है तो फैनली हम लोग ने वर्ल्ड तो खोल गया अब चलो सीधा गोट इधर वर्ल्ड चोरी यहाँ पर वर्ल्ड अंदर इंटर हो गया जैसे दी इजी पार्ट वाह वाह भाई वाह बड़ा इजी है और जब लगी नहीं गोलियाँ पीछे पिछवाड़े पे तो सब पता चल गया इजी पार्ट है मुश्किल पार्ट लेकिन हमें क्या क्या प्रोटेक्ट क्या कैरन को हम लोगों को प्रोटेक्ट करना कुछ भी काफ़ी कैरन को एक बुलेट भी नहीं लगनी चाहिए हमारी बुलेट कैसे करेंगे एक पुलिस वाला आगे आ रहा है मरे गए मेरे हाथों में चला गया वापस मैंने भून के रख दो लेट जो चलो हमारा काम हो गया चलो भागे अब वापस लीव कसीन को हम लोग को लीव करना मैं उस ख्याल में मैं सही जा रहा हूँ यहाँ से लीव करना यहाँ से डायरेक्ट बाहर हो जाना हम लोगों ने सॉरी बाहर तो नहीं हो जाना यहाँ से हम सॉरी गलत यहाँ से आगे चला जाना चाहिए लेकिन जा क्यों जा अच्छा आगे वो बुलेट प्रूफ की मेरे लगा हुआ है जिसकी वजह से जा नहीं सकता ये कैश काउंटर है ना यहाँ पर पैसे वगैरह होते हैं तो इसलिए यहाँ पर वो बुलेट प्रूफ शीशे जो है वो लगाया हुआ है तो फाइनली हम लोग बिल्कुल कैनन के पीछे आ चुके हैं अब हम लोगों ने बस थोड़ी सी मेहनत करनी है यहाँ से बाहर जाके पुलिस वालों से बचना है क्योंकि पुलिस वाले आर डी पी से लग चुके हैं उन्हें पता चल चुका है कि मैंने चोरी की है मैंने पहले जो आस पास दो तीन पुलिस वाले उनको मुझे कत्ल करूँ जो आस पास पहले थोड़ी बहुत पुलिस वाले इनसे बचना पड़ेगा वरना भाई मार मार के भट्टा बना देंगे फिर वो मतलब बनेगा तो भागना पड़ेगा थोड़ी बहुत थोड़ा सीधे सीधे भागते हैं यहाँ से फिर बचते हैं पुलिस वालों से फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं तो फाइनली हम लोग बच चुके हैं कि पुलिस वालों से हम लोग अब हम लोगों ने कैरन को ड्रॉप करना है लोकेशन पर तो चलो हम सब कैरन को ड्रॉप करके आते हैं तो हाँ ये पता नहीं कैरन जो उसकी रानी की जो उसकी फ्रेंड है रानी की उसकी फ्रेंड है उसने उससे बता दिया था कि सारी चीज़ें इधर होती हैं तो कसीने के काफ़ी ज़्यादा पैसा आया हुआ है तो माला माल कर देंगे हमें पैसा आया है तो इसलिए हम लोगों ने इधर चोरी की होना फिर भाई कसीने को कौन लूटता है हम कुछ लोग होते हैं जो सनकी टाइप के होते हैं जो सनकी उनको नहीं कह रहा मैं जो वाकई बिला वजह जाके लूटे हैं हम मिशन के तौर पर वो नहीं वो जो भी बिला वजह जाके कसीने के अंदर पंगे लेते हैं कसीने के अंदर सिक्योरिटी बड़ी होती है सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है कसीने के अंदर उड़ गया आई पुलिस को लड़ा दिया दो स्टार पुलिस लगी भाग यहाँ से निकले कुछ दिखा नहीं सॉरी गलत कर दिया किसने कहा किसी के घर के ऊपर चढ़ा सॉरी घर तो नहीं सीढ़ी के ऊपर चढ़ा थोड़ी देर यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा पुलिस वाले जब चले जाएंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं वो कह रहा था कि बोले उस रानी क्यों उसने खुद बताया था कि कैरन को कि वो आया हुआ अगर पैसे आए हुए तो वह जाके चोरी कर दो तो इसलिए कैरन तो अकेली जा नहीं सकती तो इसलिए मुझे भेजा मुझे अपने साथ लेके आई ताकि हम चोरी का जितने भी डाटा वगैरह है वो सारा हम लोगों ने चोरी कर लिया अब मेरी गाड़ियाँ पर बड़ी बुरी तरह फंस चुकी है हमने कैसे निकाली उसे कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकालनी पड़ेगी वरना भाई कैरन का जहाँ पर बताना वो भी करीब ही है इतना दूर नहीं है तो
तो लेफ्ट साइड टर्न लेके यहाँ से डायरेक्ट पीछे जाके गाड़ी को पीछे निकाल के तब से आया ऐसी गाड़ी, यहाँ से अब जाना पड़ेगा वरना फिर मुश्किल खुद बरटी। हाँ थोड़ा और पीछे टर्न लेके यहीं पर नहीं, हाँ सही 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 जा रहे। ये फाइनली हम अपनी लोकेशन पर पहुँच गए, तो ये रही हमारी होगी। In all seriousness, if there was ever a chance things would blow over with Frank and his crew, we just kissed it goodbye. Good. If there's anything I love, it's a fight. चलो कोई मतलब fight war. We're as lucky to have you. War fighting. चलो कोई मतलब नहीं इसमें ये अपनी friend और किसी मदद करनी चाहिए ये बात है, दोस्त दोस्त के काम आएंगे, तो किसकी काम आएंगे। Hey, चलो thank you हो गया। अब celebrate करेंगे भाई, सही धूमधाम से celebrate करेंगे। 3 diamond फिर दोबारा ये 640 पता नहीं ये है कि इसका फ़ायदा क्या है, मुझे कोई बता सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइए, जो ये साइन आता है तो इसके लिए बता सकते हैं मुझे इसका फ़ायदा क्या है। तो ये है भी हमारी रेड कलर की W5 ही नाम है इसका, देखनी पड़ेगी। तो चलते हैं देखते हैं कि ये गाड़ी के नाम के W5 GSTR। तो आपसे आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसी बात पर चैनल को कर वीडियो को कर लाइक, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं। तो बड़ी ज़्यादा तो करता हूँ, जिस दिन तो निकल गई ना मेरी तो हो जाएगी फिर।